नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। गंगापुर सिटी में करीब 43 साल से चली आ रही गंगापुर सिटी को उजला बनाने की मांग पूरी होने के बाद क्षेत्र की जनता बेहद खुशी दिखाई दी। सीएम की घोषणा के बाद पहली बार गंगापुर सिटी पहुंचे सीएम सलाहकार एवं विधायक रामकेश मीणा के स्वागत में क्षेत्रवासियों ने पलक पावले बिछा दिए। जयपुर मार्ग पर मंडावरी के पास करीब 10 बजे शुरू हुई स्वागत का दौर गंगापुर सिटी पहुंचने तक शाम 5 बजे तक जारी रहा। इस दौरान करीब 40 से अधिक स्थानों पर स्वागत द्वार लगाए गए। विभिन्न सामाजिक धार्मिक संस्थाओं विभिन्न समाजों के अलावा आमजन ने आतिशबाजी कर फूलमाला व साफा पहनाकर विधायक का अभिनंदन किया। इस दौरान मंडावरी के पास ताजपुर गौशाला परिवार, श्याम परिवार, सेवा समिति, अग्रवाल समाज, रेगर महासभा, माली समाज, सैनी समाज, कार्तिक नगर विकास समिति अध्यक्ष एवं श्याम रंगीली परिवार की ओर से वीरेंद्र अग्रवाल, जहांगीर समाज, जैन समाज, खंडेलवाल समाज, मैरिज होम एसोसिएशन, मुस्लिम समाज, कर्मचारी यूनियन व वाल्मीकि समाज चौक, मंडीबार एसोसिएशन, सिंधी समाज, कोली समाज, बेरवा समाज, जैन समाज, व्यापार मंडल, मंडी एसोसिएशन, रेडीमेड मेडिकल एसोसिएशन, ब्राह्मण समाज, अन्य समाज संगठन विधायक का भव्य स्वागत किया। विधायक ने SDM कार्यालय परिसर में आयोजित स्वागत समारोह में सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि अकेले विधायक थे जिन्होंने अशोक गहलोत को सीएम बनाने की आवाज़ बुलंद की। इसके समक्ष गंगापुर सिटी के बच्चे बच्चे की आवाज़ का ध्यान रखा जिसकी आवाज़ जिले के रूप में प्रतिकूल मिली है। 1980 में ही गंगापुर सिटी जिला बनाने के मापदंड पूरा करता था लेकिन राजनीतिक कारण से करौली को जिला बना दिया। इससे लोग निराश हो गए हैं लेकिन आज सभी लोगों को बेहद खुशी है। इसका श्रेय आम जनता को जाता है जिन्होंने उनको निर्दलीय विधायक बनाकर भेजा। इस दौरान गंगापुर ADM नवरत्न कोहली, SP प्रकाश चंद्र, ADM नरेंद्र मीणा, उप अधीक्षक विजय सांखला, तहसीलदार अजय मीणा, नगर परिषद आयुक्त पंकज मीणा मौजूद रहे। कटारिया जी, हमारे जिला अध्यक्ष शिवचंद बैरवा जी, मीठालाल बोहरा जी, अब्दुल वहाब जी, आयुक्त साहब, सभी उपस्थित, सभी सम्मानित साथियों, आज बेहद खुशी का अवसर है जब हम लोगों को हमारी जो 40 साल 43 साल पहले की जो मांग थी 43 साल पहले, मुझे याद है अच्छी तरह, जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस जमाने में 80-81 में गंगापुर के लोगों ने बहुत जोरदार मांग की थी कि गंगापुर को जिला बनाया जाए। राजनीतिक कारणों से वो मांग पूरी नहीं हो पाई और हद तो जब हो गई जब 1997 में गंगापुर को छोड़कर के और करौली को जिला बना दिया। जब हम लोगों को बेहद निराशा, गंगापुर का प्रत्येक जागरूक व्यक्ति, बुद्धिजीवी और सब लोग निराश हो गए कि अब गंगापुर कभी भी जिला नहीं बन पाएगा, गंगापुर को अब न्याय नहीं मिलेगा। जो न्याय की मांग थी, ये कोई मैं गंगापुर 1980 में भी जिला बनने के सारे मापदंड पूरा कर रहा था और अब जब 2011 में हमारे गिरिराज सिंह कुशवा साहब कलेक्टर थे उस समय कमेटी बैठी थी, उस समय भी पूरे के पूरे मापदंड और उन्होंने पाया कलेक्टर साहब ने कि गंगापुर जिला बनने के सारे मापदंड पूरा करता है। जब भी हमको मौका नहीं मिला, अब ये शुभ घड़ी आई है। आप लोगों को इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये शुभ घड़ी कोई रामकेश मीणा अकेले के मार्फत नहीं आई है। अगर रामकेश को, अगर असली का रामकेश नहीं बनाते, असली का MLA यहां से नहीं बनाते तो ये शुभ घड़ी नहीं आती। और उससे भी बड़ी बात यह है कि जब मेरा टिकट कट गया, चुनाव लड़ना पड़ेगा, वो टिकट वाले जो महानुभाव थे वो तो यहीं रह गए गंगापुर में ही, और बिना टिकट वाले को आपने जयपुर पहुंचा दिया। ठोकर मार करके एक ही मांग रखी थी आज मुझे कहते हुए बहुत खुशी है, सारी चीजों को दरकिनार करके मुख्यमंत्री जी को चाहे गुन्नी जिले बनाने पड़े लेकिन गंगापुर को 7वें नंबर पर जिला बनाया। आज चारों तरफ
जबरदस्त उत्साह का माहौल है। बच्चा बच्चा ये मांग रहा था गंगापुर कब जिला बने, गंगापुर को कब न्याय मिले, कब हमारा विकास हो। पानी के लिए गंगापुर तरस रहा, सड़कों के लिए तरस रहा, एक जरा सी एप्लीकेशन लेने के लिए 110 किलोमीटर सवाई माधोपुर जाना पड़ता था। हमारा आखिरी छोर रेनाल गांव है, 110 किलोमीटर पड़ता है सवाई माधोपुर से। ये सब चीज मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी और उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से लिया और मुझे आश्वस्त किया था, पहले ही आश्वस्त किया था, चाहे कुछ करना पड़े, चाहे कितनी भी हदें पार करनी पड़े, गंगापुर की जनता को न्याय दिला करके मानेंगे। मुख्यमंत्री जी यहाँ आए थे, फल सब्जी मंडी में बड़ी सभा हुई थी, उस समय भी जनता की आवाज से मैंने उनको रूबरू करवाया था, जनता की भावना से मैंने उनको अवगत कराया था। क्या बच्चा बच्चा सड़कों में था जब मुख्यमंत्री जी आए, केवल एक मांग, गंगापुर जिला बनना चाहिए। आज हमारी 43 साल पुरानी मांग पूरी हुई है और मेरे भी जीवन का हमेशा एक ही उद्देश्य रहा, रोज गोविंद देव जी के दर्शन करने जाता हूं, हमेशा और खुशहाली तो मांगी लेकिन गोविंद देव जी से भी यही मांगता रहता था, हमारे गंगापुर को न्याय दिला दो। आज वो हमें न्याय मिला है, गंगापुर जिला बना है। मैं आप सब लोगों से ये अपील करूंगा, अब हमारे विकास का समय आ गया है, अब हमें आगे बढ़ने का समय आया है। आज कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, जिला कोई कांग्रेसियों का नहीं है, ना कोई बीजेपी का है, सारे लोग जो गंगापुर में निवास कर रहा है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति है, सबके लिए जिला बना है और सबका विकास साथ लेकर के हम लोग करेंगे। मैं तमाम हमारे अधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे एडीएम साहब है, एडिशनल एसपी साहब है, पुलिस प्रशासन अच्छे से माकूल व्यवस्था कर रहा है और